सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 12 अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में 5000 मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। उस अध्यादेश के अनुसार इस 5000 मल्टी टास्क वर्कर की जो भर्ती होने जा रही है, इसमें एक भी प्रार्थी जो अपने कैंडिडेट जो है वो अन्य कैटेगरी का नहीं आने वाला है, क्योंकि विभाग ने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें 10 अंक दिखाए गए हैं। उन 10 अंकों में 5 अंक जो है वो 8वीं कक्षा तक के हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके 50 अंक है तो आपको 2.5 अंक मिलेंगे, उसमें एक अंक जो है वो एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए होगा, और 2 अंक जो है वो बीपीएल फैमिली के लिए होंगे, और 2 अंक जो है वो आपके फिजिकल टेस्ट के होंगे, 2, 2, 4 और 1, 5 और 5, 10। यानी के जो लोग ना तो एससी है ना एसटी है ना ओबीसी है ना बीपीएल में है। इस सरकार की नीति के अनुसार, इस अध्यादेश के अनुसार जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं वो लोग सरकारी विभाग में मजदूरी करने के भी सरकार को अपने काबल नहीं समझती है। मैं आज अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण महासभा के माध्यम से हम उसके सदस्य हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस अध्यादेश को बदला जाए, क्योंकि तो आज की अखबारों में ये बात अपने अखबारों में उल्लेख है कि ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकाय के उपचुनावों के उपरांत तुरंत इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हम सभी लोग जो इस सभा के सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से और लोक निर्माण विभाग से ये मांग करते हैं कि इस रिजल्ट को तुरंत रोका जाए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी व्यवस्था दी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। इसके जो ये जो कैटेगरी इन्होंने बनाई गई है, इस लिहाज से 100% आरक्षण के माध्यम से 5000 मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति सरकार करने जा रही है, विभाग करने जा रहा है। विभाग से ये हम मांग करते हैं कि वो ऐसा ना करे, और अगर विभाग ऐसा करता है तो हम लोग जो लोग इस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं वो हम सब लोग न्यायालय की शरण लेंगे, और हमारे जो समुदाय के खिलाफ सरकार ने ये जो अध्यादेश जारी किया है हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों भविष्य में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए नौकरी तो बड़ी दूर की बात है लेकिन वो सरकारी विभाग में मजदूरी तक नहीं कर सकेंगे। इसलिए लोक निर्माण विभाग को चाहिए कि इस अध्यादेश को रद्द करे, और रद्द करके जो हमारे संविधान में प्रावधान है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षित लोग ना रखे जाए, और 50% जो है वो अनारक्षित मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।